गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 30 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। एज़ यूजुअल हमने ये करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चन उठाए वो हमने लिए हैं द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जागरण जैसे हमारे जो प्रमुख न्यूज़पेपर्स हैं उसमें से। तो आज के इस वीडियो में दिखाए जाने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अभी हाल ही में देश विदेश में क्या घटनाएं हो रही है वो जानने के लिए, और साथ ही साथ हमारी आने वाली जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लैंक के राष्ट्रपति ने कहा है कि वह रवांडा नरसंहार में अपने देश की भूमिका को स्वीकार करते हैं। तो इसका उत्तर आता है बी, फ्रांस। तो हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि वह रवांडा नरसंहार में अपने देश की भूमिका को स्वीकार करते हैं। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड बातें जान लेते हैं कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वह रवांडा नरसंहार में अपने देश की भूमिका को स्वीकार करते हैं और क्षमा की उम्मीद करते हैं। फ्रांस द्वारा यह वक्तव्य रवांडा द्वारा आरोप लगाने के कई वर्षों बाद जारी किया गया है। रवांडा ने फ्रांस पर वर्ष 1994 में देश में हुई नृशंसता में शामिल होने का आरोप लगाया था। रवांडा की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? तो रवांडा मध्य अफ्रीका में अवस्थित एक स्थल रुद्र देश है। अब इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है किगाली। इसकी जनसंख्या संगठन देखें तो हुतू समुदाय, हुतूस बहुसंख्यक तथा तुत्सी समुदाय अल्पसंख्यक, यानी कि हुतू समुदाय जो है बहुत ज़्यादा संख्या में है और तुत्सी समुदाय जो कि अल्पसंख्या में है। उसके अलावा देखें तो रवांडा नरसंहार के बारे में जानते हैं। तो नोवारा रवांडा नरसंहार को तुलसी समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। यह रवांडा में हेतु समुदाय के बहुमत वाली सरकार के सदस्यों द्वारा तुत्सी समुदाय के लोगों का जाति संहार संबंधित सामूहिक हत्याकांड था। अब यह हुआ था 7 अप्रैल से जुलाई 1994 के बीच 100 दिनों की अवधि के दौरान लगभग 8 लाख से अधिक रवांडा वासी मारे गए थे। अभी फ्रांस ने एक्सेप्ट किया है, माना है, तो फ्रांस से रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो फ्रांस के राजधानी है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के अभी हाल ही के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में कुछ सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर ब्लैंक को फिर से शुरू करने की मांग की गई है। तो इसका उत्तर है MPLADS। तो हाल ही में कुछ सांसद द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर MPLADS को फिर से शुरू करने की मांग की है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जान लेते हैं। तो हाल ही में सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला जी को पत्र लिखकर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को फिर से शुरू करने की मांग की है। अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में आपदा प्रबंधन अधिनियम का प्रयोग करते हुए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को निलंबित कर दिया गया था। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यह क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी दिसंबर 1993 में। इसका उद्देश्य संसद सदस्यों के लिए स्थानीय जरूरतों के आधार पर सामुदायिक अवसंरचनाओं सहित मूलभूत सुविधाओं और स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का वह निर्माण करने के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने हेतु एक तंत्र प्रदान करना था। अब MPLAD योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसके तहत प्रत्येक संसदीय क्षेत्र को वार्षिक रूप से 5 करोड़ रुपये की MPLADS निधि प्रदान की जाती है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लैंक द्वारा संयुक्त राष्ट्र और संबंधित संस्थाओं में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए पिछले एक दशक के दौरान कई कदम उठाए गए थे। तो इसका उत्तर है डी, चाइना। तो हाल ही में चाइना द्वारा संयुक्त राष्ट्र और संबंधित संस्थाओं में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए
पिछले एक दशक में के दौरान कई कदम उठाए गए थे। तब इस टॉपिक से रिलेटेड बात देख लेते हैं कि चाइना द्वारा यूनाइटेड नेशन और संबंधित संस्थाओं में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए पिछले एक दशक के दौरान कई कदम उठाए। अब चीन द्वारा कौन से कदम विभिन्न उठाए गए हैं? तो वित्त पोषण में वृद्धि, चीन द्वारा इन संगठनों के लिए दिए जाने वाले स्वैच्छिक दान में लगभग 350% की वृद्धि की गई थी। प्रभावशाली स्थिति, डोमिनेंट पोजीशन, चीन ने महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र की गैर बहुपक्षीय संस्थाओं यानी कि नॉन यूएन मल्टीलेटरल बॉडीज में अपने प्रभुत्व में वृद्धि की है और वर्तमान में चीन कर्मिकों और वित्त पोषण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन तथा संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन जैसे कई संगठनों में अपनी प्रभावशाली स्थिति रखता है। फॉक्स ग्रुप, तो चीन का ध्यान उन संस्थाओं पर रहा है जो चीनी कंपनियों की सफलता को बढ़ावा देने और बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी परियोजना के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तय करने में मदद करती है। अब इन उपायों के प्रभाव से क्या हासिल हुआ है? तो इन उपायों के प्रभाव से संयुक्त राष्ट्र की 15 प्रमुख एजेंसियों में से 4 एजेंसियों चीन के प्रत्यक्ष नेतृत्व में है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, खाद्य और कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित संयुक्त राष्ट्र की 9 एजेंसियों में चीनी उपाध्यक्ष मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता ब्लैंक को संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है, तो इसका उत्तर है ए, संजय दत्त को, यानी कि हाल ही में हमारे बॉलीवुड के अभिनेता संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। तब इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो यह गोल्डन वीज़ा यह क्या होता है? तो वर्ष 2019 में संयुक्त अरब इमारत यानी कि यूएई द्वारा दीर्घकालिक निवास वीज़ा जारी करने के लिए एक नई प्रणाली लागू की गई थी कि जिसके तहत विदेशी नागरिकों को बिना किसी स्थानीय प्रायोजक के संयुक्त अरब अमीरात में रहने, काम करने और अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा इस नई व्यवस्था के तहत विदेशी नागरिकों और 100% स्वामित्व के साथ अपना व्यवसाय करने की भी सुविधा उपलब्ध होती है। अब गोल्डन वीज़ा के तहत दिए जाने वाले प्रस्ताव, तो गोल्डन वीज़ा प्रणाली मुख्यतः निम्नलिखित समूहों से संबंधित व्यक्तियों को दीर्घकालीन निवास 5 और 10 वर्ष के लिए अवसर प्रदान करती है। निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति जैसे शोधकर्ता, चिकित्सा पेशेवर, विज्ञान एवं अन्य ज्ञान क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति तथा असाधारण छात्रों को दिए जाएंगे। अब भारत के लिए इसका महत्व क्या है? तो यह नए नियम खाड़ी देशों में अधिक भारतीय पेशेवरों और व्यापारियों को आकर्षित करेंगे और इससे भारत यूएई संबंधों को मजबूत होंगे। यह नियम कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद फिर से काम शुरू इच्छुक भारतीयों की खाड़ी देश में वापस जाने की सुविधा भी प्रदान करेगा। ज्ञातत्व है कि भारत ने नवंबर 2020 की शुरुआत में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों से इसके लिए अनुरोध भी किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि गाजा पर ब्लैंक के घातक हवाई हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, तो इसका उत्तर है सी, इसराइल। अब इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि गाजा पर इसराइल के हालिया घातक हवाई हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसी दौरान कई देश इस विषय पर एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है? तो यदि नागरिकों और नागरिक संपत्तियों पर इन हमलों के प्रभाव को अंधाधुंध और असंगत पाया जाता है तो इन इजरायली हमलों के लिए युद्ध अपराध की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।
अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं तो हाल ही में लिए संघर्ष विराम से पहले इसराइल द्वारा गाजा पर किए गए हवाई हमलों और तोपों के गोलों से 254 फिलिस्तानी मारे गए थे, जिनमें से 66 बच्चे भी शामिल थे, और 11 दिनों तक चली इस लड़ाई में 1,900 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब जिनेवा कन्वेंशन, तो इससे रिलेटेड है ये जिनेवा कन्वेंशन, इस टॉपिक से रिलेटेड कि वर्ष 1949 में हस्ताक्षरित 4 जिनेवा कन्वेंशन में युद्ध अपराधों वॉर क्राइम्स का अर्थ स्पष्ट किया गया है। तो चौथे जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 147 में युद्ध अपराधों को जानबूझकर अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने अथवा शरीर या स्वास्थ्य पर गंभीर चोट पहुंचाने, गैरकानूनी रूप से निर्वासन या स्थानांतरित करने, बंधक बनाने अथवा गैरकानूनी रूप से कैद करने, व्यापक स्तर पर विनाश करने और परिसमतियों पर कब्जा करने सहित जानबूझकर हत्याएं, यातना देने, अन्य अमानवीय तरीकों और सैन्य जरूरतों के तहत गैर तर्कसंगत जानबूझकर और निर्दयतापूर्वक किए जाने वाले कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसराइल के द्वारा हुआ था तो इसराइल से रिलेटेड बातें जान लेते हैं। इसराइल की राजधानी है जेरूसलम, इसराइल की करेंसी है न्यू शेकल और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत सरकार के आईटी रूल्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है? तो इसका उत्तर है डी व्हाट्सएप ने। अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने त्वरित संदेश प्लेटफॉर्मों द्वारा संदेशों के मूल लेखकों की पहचान करने में सहायता करने को अनिवार्य बनाने वाले भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए और सख्त आईटी नियमों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका में 26 मई से लागू किए जाए गए नियमों के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। अब नए नियमों की विवादास्पद धाराएं, तो सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार संदेश सिवाय प्रदान करने वाला मध्यस्थ सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 69 के तहत पारित आदेश के बाद अपने कंप्यूटर संसाधन पर सूचना के मूल जनक की पहचान उजागर करेगा। इस धारा के प्रयोज्यता देखते हैं तो नियमों के कहा गया है कि इस तरह के आदेश केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित अपराधों और इसके अलावा बलात्कार, यौन प्रदर्शन संबंधित सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री और न्यूनतम 5 साल के कारावास से दंडीय अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, जांच करने, अभियोजन या दंड के प्रायोजित से प्रारित के लिए किए जाएंगे। तदुपरांत बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा किस अनधिकृत निर्माण पर एक जांच समिति बनाई गई? तो इसका उत्तर है ए मैकेदातु। तो एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान के लिए लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मैकेदातु में अनधिकृत निर्माण गतिविधियों के आरोपों की जांच करने हेतु एक संयुक्त समिति नियुक्त की गई है। ज्ञातत्व है कि मैकेदातु में कर्नाटका सरकार द्वारा कावेरी नदी पर एक बंद बांधने का प्रस्ताव भी रखा गया था। अब इस प्रकार के मामलों पर एनजीटी का अधिकार क्षेत्र क्या होता है? तो यदि कोई परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन का अध्ययन किए बगैर तथा आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना शुरू की जाती है तो यह पर्यावरण को प्रभावित करने वाला एक अनधिकृत कार्य होगा। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। अब मैकेदातु की अवस्थिति, तो मैकेदातु का अर्थ बकरी की छलांग गॉड स्लीप होता है। मैकेदातु एक गहरा खड्ड जॉर्ज है तथा यह कावेरी और उसकी सहायक अक्रावती नदी के संगम पर स्थित है। अब मैकेदातु परियोजना से संबंधित क्या विवाद है वो देख लेते हैं। तो इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने के प्रयोजन हेतु पानी का भंडारण और
आपूर्ति करना है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव किया गया है। परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने के उद्देश्यों के लिए पानी का भंडारण और आपूर्ति करना है, और माध्यम से लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना भी है। अब तमिलनाडु ने यह कहते हुए आपत्ति जताई है कि इस परियोजना से तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल का प्रवाह प्रभावित होगा। कावेरी नदी से रिलेटेड है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान है दक्षिणी पश्चिम कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी बेसिन 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है। तमिलनाडु 43,868 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 34,273 वर्ग किलोमीटर तथा केरल 2,866 वर्ग किलोमीटर और पुदुचेरी में भी स्थित है। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है कावेरी नदी की? तो प्रमुख सहायक नदियों में आती है हेमावती, लक्ष्मी तीर्थ, काबिनी, अमरावती, नोयल और भवानी नदियाँ। कावेरी नदी पर जल पर्वत प्रपात, तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में फॉगेनकल जल प्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जल प्रपात अवस्थित है। अब इसका बांध तो तमिलनाडु में सिंचाई और जल विद्युत प्रयोजन हेतु मेट्टूर बांध का निर्माण भी किया गया था। कर्नाटक से रिलेटेड बातें जान लेते हैं, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। अगला क्वेश्चन है कला इतिहासकार और क्यूरेटर लॉरेंस डेस्कोर्स ब्लैंक के 228 साल के इतिहास में इसकी अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। तो इसका उत्तर है ल्यूवर संग्रहालय। तो कला इतिहासकार और क्यूरेटर लॉरेंस डेस्कोर्स ल्यूवर संग्रहालय के 228 साल के इतिहास में उसकी अध्यक्ष पे तौर पे नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। तो यहाँ पेरिस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला भी कला संग्रहालय है। इस संग्रहालय में मोनालिसा की क्लासिक पेंटिंग रखी गई है, जिसका दुनिया भर के सांस्कृतिक संगठन और कला प्रेमी प्रदर्शनी के तौर में देखना पसंद करते हैं। अब इसका अभी हाल ही में चर्चा का कारण, तो कला इतिहासकार और क्यूरेट लॉरेंस डेस्कोर्स ल्यूवर संग्रहालय 228 साल के इतिहास में इसकी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है, और इसी की वजह से अभी हाल ही में चर्चा में है। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की फैक्ट्स की तरफ। तो चर्चित स्थल भीतकानिक राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा में स्थित भीतकानिक राष्ट्रीय उद्यान अपने मैंग्रोव वनों, प्रवासी पक्षियों, कछुओं, ज्वारन दमुखी मगरमच्छों और अनगिनत सकरी खाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। भीतरकनिका में 3 संरक्षण क्षेत्र हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्य जीवन अभयारण्य और गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य। अब भीतरकनिका ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और महानदी जैसे नदी तंत्र के मुहाने पर स्थित है। इसमें देश के ज्वारंदमुखी या खारे पानी के मगरमच्छों की 70% आबादी पाई जाती है। इन मगरमच्छों का संरक्षण काफ़ी पहले वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। भीतरकनिका में जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विस्तृति श्रृंखला पाई जाती है, जिनमें 3,000 चीतीदार हिरण, पक्षी प्रजातियां और जंगली सुअर, सियार, लकड़बग्गा, जंगली बिल्ली, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां, पानी की निगरानी करने वाली छिपकली, रिसस मैकाक, लंगूर, भारतीय सिवेट बिल्ली और खरगोश जैसी प्रजातियां भी शामिल हैं। इस क्षेत्र को सितंबर 1998 में एक राष्ट्रीय उद्यान और अगस्त 2002 में यूनेस्को द्वारा रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया था। इसका हाल में चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो भीतरकनिका में चक्रवात यास की वजह से सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं और जीवों पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है, और इसी की वजह से ये हाल ही में काफी चर्चा में भी रह रहा है। थैंक यू सो मच।
गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।